खेतों में पानी, सड़कों पर पानी, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आए। जलमग्नी की स्थिति सोनीपत के गांव बड़वासनी की है और स्थिति बनी इसलिए है क्योंकि यहां की मुनक नहर टूट गई है। दरअसल सोनीपत से गुजरकर दिल्ली जाने वाली मुनक नहर, जिसे करियर लिंक चैनल नहर भी कहा जाता है, वो टूट गई है। बुधवार करीब सुबह 2 बजे नहर में अज्ञात कारणों के चलते दरार आ गई और देखते ही देखते नहर टूट गई, जिसके चलते बड़वासनी गांव की लगभग 200 एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गई है और गांव के खेतों में बने कई मकानों में भी पानी घुस गया है। हालांकि जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो जिला प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर नहर को ठीक करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस नहर से पानी दिल्ली को भी जाता है। ऐसे में नहर टूटने से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया है और दिल्ली में पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि दिल्ली जाने वाली पैरलर नहर में इस पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि दिल्ली में कोई भी जल संकट ना हो। नहर ये बड़वासनी गांव के पास से टूटी है, 2,09,000 RDA CLA की, और कारण का पता नहीं लगा। रात को तकरीबन 2 बजे हमें पता लगा था कि पानी की लीकेज हुई है, मौके पर पहुँच गए थे। उसके बाद से हमने अपना जो भी इसके लिए उचित कार्रवाई है, बंद करने के प्रयास जारी है सर। बंद करने के प्रयास जारी है, पूरी मशीन सारी। सर, इसका पानी दिल्ली पीने के लिए जाता था? दिल्ली पीने के लिए जाता था। पानी को हमने दूसरी अपनी दिल्ली ब्रांच जो पुरानी है उसमें डाइवर्ट कर दिया है और दिल्ली का हम पूरा कर देंगे दूसरी नहर। दिल्ली में कोई संकट नहीं आएगा पानी? दिल्ली में पानी का संकट नहीं आएगा। सर, आपका परिचय? कैलाश है। करीब 50 फीट का कटाव होने से नहर का पानी गांव बड़वासनी के खेतों के साथ ही गुहाना सोनीपत रोड से बहने लगा, जिससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं किसानों की कई एकड़ में खड़ी फसल में भी जलभराव हो गया है। उधर गुहाना रोड को बाईपास से बंद कर दिया गया है और वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। नहर कैसे टूटी इसके कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नहर को ठीक कर लिया जाए ताकि लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।